मुझे लगता है नाउ इट्स बिटवीन ब्लाइंड एंड सोल इनसेन के खिलाड़ी, लेकिन कुछ तो शायद बदलने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक ग्रेनेड अक्षत का जाएगा। दिस टाइम द ग्रेनेड्स आर हिटिंग एट द राइट मार्कर्स एज अक्षत गेट्स दैट एलिमिनेशन, गॉब्लिन गेट्स दैट एलिमिनेशन, और यहीं पर टीम इनसेन का होता है सफाया। बचती हैं तीन टीमें जिसमें स्काईलाइट्स का है एक खिलाड़ी, बट सोल ने धावा बोल दिया है ब्लाइंड पर। सोल आज कोई गलती नहीं करना चाहती, आज सोल इतना सीरियस है उन 15 अंकों के लिए कि उनको पता है उनको सिर्फ आगे जाना है, 15 को छूना है, पकड़ना है, हक करना है और सीधा बोलना है कि ये कल छूट गया था, बट आज वो मूव कर रहे हैं। ओमेगा सर्कल के अंदर है, बाकी सोल के खिलाड़ी मूव कर रहे हैं, अक्षत भी आगे की तरफ को जा रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी इस गेम को खत्म करना चाहेंगे। हेक्टर, he is moving from around the zone as well as he just wants to see everyone from the players of team blind and soul के players जिस तरीके से मूव किए, मुझे लगता है throwables भी इनके पास अच्छे खासे रहने चाहिए। अभी अभी इन्होंने बिल्कुल ब्लडबाथ कर दिया था वहां पे, इट वाज अ मीट ग्राइंडर सिचुएशन फॉर एवरीवन। तो ढेर सारी लूट तो कलेक्ट कर ली होगी, पहले गॉडल को उन्होंने गेम से बाहर निकाला, फिर इनसेन को हराया, लूट की दिक्कत नहीं होने वाली। बट अभी के लिए सोमराज इनके पास फर्स्ट एड तक नहीं है, लेवल 1 हेलमेट, एक ही एम के भरोसे पे अभी भी टिके हुए हैं। अभी उनको जो पॉइंट चाहिए थे 10 पॉइंट थर्ड पोजिशन के वो मिल चुके हैं, अब क्या ये 10-12 हो सकते हैं, बहुत बड़ा सवाल है। तो जिस स्पीड से सोल चल रही है अगले कुछ क्षणों के अंदर कुछ ना कुछ तो अलग देखने को मिल सकता है। सर्कल आ रहा है, सर्कल ब्लाइंड पर बिल्कुल नहीं है, ब्लाइंड के खिलाड़ियों को आगे की तरफ को मूव करना है, स्काईलाइट्स के सोमराज को आगे की तरफ को मूव करना है। टीम सोल, दी सोल्जर्स, दे वॉन्ट 15 पॉइंट्स, दे वॉन्ट द ट्रॉफी एज वेल। हालांकि उसकी बात 2 दिन बाद रहेगी, बट उसके लिए जो रेस चल रही है उसमें अभी भी बैटन इनके हाथ में ही है। धीरे धीरे ये लोग आगे की तरफ को अपना मूवमेंट देखेंगे। जैडी, उनकी एचपी थोड़ी सी कम है, डेफिनेटली खुद को हील जरूर कर लेंगे, लेकिन इस सब के बीच में जैडी शायद अगर राइट पर देख लें तो वहां एक फिनिश हो सकता है। जो आपने बात करी, देखिए सोमराज 12 अंक लेना चाहते हैं, लेकिन सोमराज को एलिमिनेट कर लिया तो ब्लाइंड के लिए राइट हैंड साइड भी खाली हो जाएगा, जो कि एक सही चीज रह सकती है। वहीं पर अक्षत जंप्स ले रहे हैं, सोमराज आगे मूव करें, द सर्कल्स गोना क्लोज इन एंड दिस जोन माइट एज वेल जस्ट शोकेस समथिंग डिफरेंट टू द प्लेयर्स ऑफ टीम ब्लाइंड। अब यहाँ पर सोमराज का पोजीशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल भी देखा था सोल के 4 प्लेयर जिंदा थे, एक प्लेयर उनको बैकस्टैब करके आया और उनकी जो खुशी थी एक पल में छीन ली थी। अगर आज सोमराज ऐसा कुछ एग्जीक्यूट करके देन सोल इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि हर बार इतने डोमिनेटिंग फैशन के अंदर वो फाइनल सर्कल तक आती है। बट यहाँ पे अक्षत ने स्पॉट किया सोमराज को, इंस्टेंटली उनकी कहानी खत्म करी और स्काईलाइट्स होती है एलिमिनेट थर्ड पोजीशन। 35 सेकंड का समय है इस सर्कल को क्लोज इन करने में, लेकिन प्लेयर्स की लोकेशन पता है, वो गाड़ी के पीछे का कवर वो पता है। हालांकि इसी के बीच में अक्षत पहले प्लेयर को डाउन करेंगे, अक्षत ने वहां पर मेन मैन स्काईलाइट्स सोमराज को डाउन किया था, फिनिश किया था, इनफैक्ट बाहर किया था, और अब ब्लाइंड के डेडपूल को भी डाउन कर चुके हैं। ये गेम सोल को चाहिए, इतनी देर को डाउन करेंगे, अक्षत ने वहां पर मेन मैन स्काईलाइट्स सोमराज को डाउन किया था, फिनिश किया था, इनफैक्ट बाहर किया था, और अब ब्लाइंड के डेडपूल को भी डाउन कर चुके हैं। ये गेम सोल को चाहिए, इतनी बार #2 आए हैं 7 गेम्स के बाद, ये 8वां उनके लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन ओमेगा के ऊपर आया डैमेज, ओमेगा समझ के ओवर कमिट करने का कोई फायदा नहीं होगा, खुद को सेफ रखा जा रहा है। जैडी के पास 19 गोलियां बैकपैक ना होना मतलब शायद ये आखिरी 19 गोलियां भी उनके लिए बन सकते हैं, लेकिन वहीं पर ब्लाइंड के रेस को डाउन करने के बाद भी द्वारा द गॉडलिन इज स्पीकिंग, ओमेगा स्पीकिंग एज वेल, एंड दे आर रोरिंग राइट नाउ फॉर 15 पॉइंट्स एज ब्लाइंड दे माइट जस्ट बी इन अ होल वर्ल्ड ऑफ ट्रबल। गॉब्लिन आगे की तरफ को जंप एंड पंच करके जा रहे हैं, विलियम्स को भी देख लिया जा चुका है, मतलब उसको फिनिश करेंगे, और यहां पर लेकर के जाती है टीम सोल फाइनली